हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 12 को आज हम पढ़ेंगे, जो कि पार्ट थर्ड में है। पार्ट थर्ड में सेक्शन 12 से लेके 15 तक बात की गई है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम की। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम का मतलब किसी टाइम को, कुछ टाइम ऐसे हैं जिसको हमने एक्सक्लूड कर देना है जब हम कंप्यूट कर रहे हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन, क्योंकि पार्ट थर्ड हमें कहता है कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कि किस तरीके से हम लिमिटेशन पीरियड को कंप्यूट करेंगे। तो सेक्शन 12 से लेके 15 तक कुछ टाइम पीरियड को एक्सक्लूड करने की बात की गई है। किन टाइम पीरियड की, वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 12 की शुरुआत से। सेक्शन 12 के बारे में आज हम बात करेंगे। जब आप बेयर एक्ट को खोलकर पढ़ेंगे तो उसमें वो टेक्निकल लगेगा सेक्शन 12, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत इजी लगेगा। तो पहले ये वीडियो देख लेना, फिर उसको बेयर एक्ट से रीड करना, एकदम क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 12 कहता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग। तो पहली बात तो समझिए, कहता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम, कुछ टाइम है जिसको एक्सक्लूड कर देना है जब हम कंप्यूट करेंगे पीरियड ऑफ लिमिटेशन को। दूसरी कह रहे हैं लीगल प्रोसीडिंग्स। तो यहाँ लीगल प्रोसीडिंग्स की बात हुई कि सेक्शन 12 हर तरीके की लीगल प्रोसीडिंग की बात करता है, चाहे वो सूट हो, चाहे अपील हो, चाहे रिवीजन हो, रिव्यू हो, यहाँ तक कि आर्बिट्रेशन प्रोसेस में, जो आर्बिट्रेशन प्रोसेस के थ्रू अवार्ड लिया जाता है, क्योंकि हमें पता है जब हम केस लेके जाते हैं कोर्ट में तो वहां आता है जजमेंट, ठीक है ना, लेकिन जब हम बात करते हैं आर्बिट्रेशन की तो वहां आता है अवार्ड। तो चाहे अवार्ड है, चाहे जजमेंट है, चाहे रिवीजन है, चाहे रिव्यू है, चाहे अपील है, चाहे सूट है, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग है, सभी के बारे में सेक्शन 12 बात करता है। तो दो बातें क्लियर हो गई। पहली बात, एक्सक्लूड करना है टाइम को जब हम कंप्यूट करेंगे लिमिटेशन पीरियड को, किस टाइम को, वही बात कर रहा है सेक्शन 12। और दूसरी बात कि हर तरीके की लीगल प्रोसीडिंग्स को सेक्शन 12 ने कवर किया है। तो इस सेक्शन के अंदर चार सबसेक्शन है। पहला सबसेक्शन कहता है किसके बारे में, सूट, अपील और एप्लीकेशन के बारे में। तो एप्लीकेशन किसी के लिए भी लेके जाई जा सकती है, चाहे रिवीजन के लिए हो, चाहे फिर रिव्यू के लिए हो, किसी भी तरीके की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। तो कह रहे हैं कि जब भी सूट, अपील या एप्लीकेशन को हमने कैलकुलेट करना है, मींस कंप्यूट करना है पीरियड को कि लिमिटेशन पीरियड क्या है, तो उस वक्त, उस कैलकुलेशन के वक्त हमें देखना है कि जिस दिन से हमें वो पीरियड समझना है, वर्ड यूज हुआ है बेयर एक्ट में, आप देखेंगे रैकेंट, तो रैकेंट माने होता है अंडरस्टैंड। आप यहां पर सोच सकते हैं कि कंप्यूटेशन है, लेकिन रैकेंट का जो मीनिंग होता है वो अंडरस्टैंड होता है। तो कह रहे हैं कि जो दिन समझना है कि वो दिन कौन सा दिन, जिस दिन से हमें सूट, अपील या एप्लीकेशन फाइल करने के लिए लिमिटेशन स्टार्ट होती है, उस दिन को समझने के लिए कह रहे हैं हमें क्या करना है, उस दिन को ही हमने एक्सक्लूड कर देना है। किस दिन को, एग्जाम्पल जैसे आज दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है, तो आज की डेट में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। अब जिस व्यक्ति को अग्रीव्ड कहा जाएगा या जो व्यक्ति विक्टिम है, वो क्या कर सकता है, वो जाकर के सूट फाइल कर सकता है एक्यूज्ड के खिलाफ, ठीक है। तो आज की डेट में, यानी आज 23 फरवरी 2021 को वो पीरियड जो है स्टार्ट होता है जब वो सूट फाइल कर सकता है। अब कह रहे हैं कि जब हमने लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेट करना है ना, तो उस वक्त, क्योंकि कह रहे हैं यहाँ पे एक्सक्लूजन ऑफ टाइम, किस टाइम को एक्सक्लूड करने हैं, जिस दिन से हम समझेंगे कि आज से शुरुआत हुई, तो आज के दिन को ही एक्सक्लूड कर देना है। सिंपल सिंपल सी बात कर रहे हैं, जिस दिन में वो सूट, अपील या एप्लीकेशन को कैलकुलेट करने का ये जो रीजन है, वो रीजन जो है वो स्टार्ट होता है, उस डे को हमने एक्सक्लूड करना है जब हमने कंप्यूटेशन करना है पीरियड ऑफ लिमिटेशन को। तो पहला सबसेक्शन हमें ये कहता है। दूसरा सबसेक्शन सूट की बात नहीं करता, बात करता है अपील की या फिर एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन की या फिर कह रहे हैं कि लीव टू अपील, कि हमें अपील करने दीजिए, या फिर सिंपल अपील कर दी, या फिर एप्लीकेशन लगाई अपील करने के लिए, या फिर रिवीजन के लिए, रिव्यू के लिए, किसी जजमेंट की। जजमेंट आएगा, अग्रीव पार्टी कौन है, जो कि इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखती कि जो जजमेंट आया वो ठीक था, तो या तो वो अपील में जाएगा व्यक्ति जो अग्रीव्ड होगा, ये रिवीजन में जाएगा, ये रिव्यू के लिए बोलेगा, तो किसी भी तरीके के लिए वो जा सकता है। तो उस केस में कह रहे हैं दो चीजों को एक्सक्लूड करना है। किन चीजों को, पहला तो दिन, कौन सा दिन,
जिस दिन को जजमेंट आया जिसके के खिलाफ अपील या एप्लीकेशन लगा रहे हैं, रिवीजन रिव्यू के लिए एप्लीकेशन लगा रहे हैं अपील करने के लिए, तो इन केसेस में जिस डे को जजमेंट आया, पहले तो वो डे ही हमने एक्सक्लूड कर देना, क्योंकि हमने यहां पर बात की थी कि जो कोर्स वाला जो दिन है ना, जहां कोर्स ऑफ एक्शन राइज है, उसको हमने एक्सक्लूड करना है, तो जजमेंट वाला दिन तो हमने एक्सक्लूड कर देना है। दूसरा कह रहे हैं जो टाइम पीरियड है, दूसरा टाइम पीरियड कौन सा एक्सक्लूड करना है, जैसे कि हमें पता है अपील में जा रहे हैं, जैसे आज जजमेंट आया, ठीक है, कोई जजमेंट ऐसा है जो मेरे खिलाफ आया, अब मैं उस मेरे खिलाफ का मतलब मैं उससे सहमत नहीं हूं कि हाँ ये जजमेंट ठीक आया है, तो मैं अपील में जाना चाहती हूँ, तो अपील में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो डिक्री अगर आया है, डिक्री हमें पता है किसमें आता है, सिविल कोर्ट में, या फिर सेंटेंस अगर आया है, मतलब सजा अगर सुनाई दी गई है, तो वो कहाँ होगा, वो क्रिमिनल केस में होगा। जनरली क्या होता है कि हमें पता है लिमिटेशन पीरियड जो होता है वो कहाँ चलता है, लिमिटेशन पीरियड या लिमिटेशन एक्ट का 1963 कहाँ चलता है, सिविल में, लेकिन इस सेक्शन में ये भी कहा गया है कि जो सेंटेंस अगर आया, तो सेंटेंस तो दंडादेश ही है, तो दंडादेश अगर आया है या डिक्री अगर आया या कोई ऑर्डर अगर आया है, तो उसकी प्रतिलिपि, उसकी कॉपी भी लगानी पड़ेगी अगर हमें अपील में जाना है, रिव्यू में जाना है, रिविजन में जाना है, तो उस केस में कह रहे हैं कि क्या करना पड़ेगा, जो टाइम पीरियड लग रहा है उस डिक्री की क्या लेने के लिए, प्रतिलिपि लेने के लिए, कॉपी लेने के लिए, उस टाइम पीरियड को भी एक्सक्लूड कर देना है। दोनों ही बातें समझिए, जैसे आज की डेट में कोई जजमेंट आया तो आज के दिन को तो एक्सक्लूड कर देंगे, फिर अगर 10 दिन आगे लग रहे हैं वो डिक्री की कॉपी लेने के लिए, जिसकी की अपील लेके हमें जाने, क्योंकि वो लगेगी ही लगेगी, तो इन दोनों चीजों को यानी 10 दिन 23 से लेके अभी हमें पता है 5 दिन 28 फरवरी तक होगी, तो 5 दिन वो हो गए, फिर उसके बाद में 5 मार्च तक हो गया, समझिए 5 मार्च तक का टाइम अगर लगता है हमारा टोटल आज के जजमेंट से मिलाकर के, और कॉपी लेने में जो हमें टाइम पीरियड लग रहा है उस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर देंगे, और फिर उसके बाद में लिमिटेशन पीरियड जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा, कंप्यूट किया जाएगा। तो दो तरीके के टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया गया इन केसेस में। फिर तीसरा जो सबसेक्शन है वो कहता है, वो सिर्फ जजमेंट की बात करता है, कह रहे हैं कि जब भी कोई डिक्री है या ऑर्डर है जिसके के लिए हमें रिवीजन में जाना है या फिर हम रिव्यू में जाना चाहते हैं, तो जो टाइम पीरियड है वो जो जजमेंट की कॉपी लेने के लिए लग रहा है उसको भी एक्सक्लूड कर देंगे। वर्ड भी यूज हुआ है ऑल्सो भी एक्सक्लूडेड, जजमेंट को भाई ये तो डिक्री की बात हुई थी, सेंटेंस की बात हुई थी, ऑर्डर की बात हुई थी, और यहाँ पर बात हुई है जजमेंट की। हालांकि जब जजमेंट राइटिंग की बात होती है, आप लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, अगर आपने कभी देखा हो तो जजमेंट राइटिंग की जब बात आती है तो उसमें डिक्री जो होता है इंक्लूड होता है, सेंटेंस जो होता है इंक्लूड होता है, ऑर्डर जो होता है इंक्लूड होता है, लेकिन डिक्री अलग से पारित हुई है तो फिर उसकी बात यहाँ पर होगी, लेकिन अगर पूरे जजमेंट की कॉपी लगानी है तो उस केस में कह रहे हैं वो टाइम पीरियड भी एक्सक्लूड कर देंगे जो कि जजमेंट को लेने में लग रहा है। अब इस सेक्शन 12 की एक्सप्लेनेशन दी गई है और उसमें ये कहा गया है कि ठीक है, जो टाइम पीरियड व्यक्ति को, जो व्यक्ति अपील में जाना चाहता है उसे लग रहा है कॉपी को लेने के लिए, उस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर रहे हैं, लेकिन जो कोर्ट यानी जो जज साहब हैं उनको जजमेंट बनाने में टाइम पीरियड लग रहा है उसको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जो जजमेंट बन गया उसकी कॉपी लेनी है, उसमें टाइम लग रहा है, उसको एक्सक्लूड कर देंगे हम कंप्यूटेशन से के वक्त में, लेकिन जो जजमेंट बनाने में कोर्ट ने टाइम लिया उसको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा जब ये टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करेंगे। फिर सबसेक्शन 4 बहुत सिंपल है, यहाँ पर अवार्ड की बात हुई है, अवार्ड है तो आर्बिट्रेशन प्रोसेस हुआ, इसीलिए मैंने कहा था लीगल प्रोसीडिंग है, इस सेक्शन में सब चीजें कवर कर ली गई है। तो कह रहे हैं कि अगर सेट असाइड कराना है अवार्ड को, जो पार्टी अग्रीव्ड है, जो सहमत नहीं है अवार्ड से, वो सेट असाइड करा रही है, तो उस केस में कह रहे हैं कि जो टाइम है वो कॉपी, जो अवार्ड की कॉपी है उसको लेने में जो टाइम लग रहा है उसको भी एक्सक्लूड कर देंगे। तो जनरली हमें सेक्शन 12 से ये समझ में आ रहा है
पहली बात तो ये कि जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है उस डे को एक्सक्लूड कर देना है, और कॉज ऑफ एक्शन जो अराइज हुआ चाहे वो सूट का था या फिर अपील का, कॉज ऑफ एक्शन क्या होगा? जजमेंट है ना, तो जजमेंट आया, डिक्री आया, ऑर्डर आया, सेंटेंस आया, तो उसी की अपील, उसी का रिवीजन, उसी का रिव्यू लेके जाएंगे। तो जो कॉज ऑफ एक्शन है ना, उस कॉज ऑफ एक्शन की बात करें, वो डे जो है वो एक्सक्लूड कर देना है, और फिर उसके बाद डिक्री, ऑर्डर या जिसको लेके हमें आगे जाना है उसमें जो टाइम लग रहा है उसको भी एक्सक्लूड कर देंगे, ऐसा सेक्शन 12 कहता है। ये इजी है, मैंने आपको कहा अगर हम इस वीडियो को देख के बेरेट से पढ़ेंगे, और अगर पहले ही बेरेट उठा लेंगे और फिर ये वीडियो देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर हम बेरेट से माथा पच्ची करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कॉम्प्लिकेटेड है। अगर वीडियो समझ आई हो तो नेक्स्ट क्लास के लिए भी बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।